स्वागत है भाई आप सभी मित्रों का आपके अपने YouTube चैनल पर एक बार फिर से। जैसा कि दोस्तों आज हम आपको बताने वाले हैं डेली करंट अफेयर्स टॉप 10 क्वेश्चन आते हैं आपके लिए। आज 2 अक्टूबर है और टॉप 10 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो भाई वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई क्लास को। पहला क्वेश्चन ही आपका क्या दिया गया है देखिएगा सभी लोग। क्वेश्चन आपका दिया गया हर वर्ष गांधी जयंती 2 अक्टूबर को किसके जन्मदिन पर मनाई जाती है, आपको ये बताना है। ऑप्शन ए दिया गया इंदिरा गांधी, बी दिया गया राजीव गांधी, सी दिया गया महात्मा गांधी और डी दिया गया राहुल गांधी। आपको बताना है इसका राइट आंसर। 2 अक्टूबर को किसके जन्मदिन पर मनाई जाती है, तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, महात्मा गांधी। क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन सी हो जाएगा, महात्मा गांधी सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडिया मोबाइल कांग्रेस में देश में कौन सी सेवाओं की शुरुआत की है, 2G 5G 7G 6G, तो सभी लोग बताएंगे इसका राइट आंसर। याद रखिएगा ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 5G का। क्या हो जाएगा भैया, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा 5G। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया 17 सितंबर से 1 अक्टूबर 2022 तक देश में रक्तदान अमृत महोत्सव में किस राज्य को दूसरा स्थान प्राप्त हुआ है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गोवा, आपको बताना है इसका राइट आंसर। तो सभी लोग याद रखेंगे ऑप्शन आपका ए हो जाएगा भाई उत्तराखंड को, किसको, ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तराखंड, सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया आपका 4 नंबर, शहर में प्रदूषण से निजात पाने को लेकर किस मुख्यमंत्री ने हाल ही में 15 सूत्रीय बिटर एक्शन प्लान की घोषणा की है, ऑप्शन ए दिया गया ममता बनर्जी, बी दिया गया अरविंद केजरीवाल, सी दिया गया अशोक गहलोत और डी दिया गया लालू लाल प्रसाद। तो याद रखेंगे ऑप्शन आपका भाई ए हो जाएगा ममता बनर्जी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा ममता बनर्जी, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन दिया गया है किस स्टेडियम में 2 अक्टूबर को सर्वधर्म धर्म प्रार्थना सभा का राज्य स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम, अल्बर्ट हॉल स्टेडियम, फिरोज शाह कोटला स्टेडियम, डी दिया गया मानसरोवर स्टेडियम। तो सभी लोग याद रखेंगे इसका राइट आंसर, ऑप्शन आपका डी राइट हो जाएगा मानसरोवर स्टेडियम, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है भाई 7 नंबर, क्वेश्चन दिया गया है 36वें राष्ट्रीय खेल किसो, भारोत्तोलक ने हाल ही में स्वर्ण पदक हासिल किया है, करणम मल्लेश्वरी, लोवलीना बोगोरहेन, सेफारली वर्मा और डी दिया गया मीराबाई चानू। तो याद रखेंगे सभी लोग इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, ऑप्शन आपका डी हो जाएगा मीराबाई चानू ने, ठीक है, स्वर्ण पदक हासिल किया है, याद रखिएगा सभी लोग। अगला क्वेश्चन दिया गया किस राज्य में 15वें अंतर्राष्ट्रीय सूफी रंग के फेस्टिवल का उद्घाटन किया जाएगा, असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, बिहार। तो याद रखेंगे सभी लोग ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान, सभी लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया देखिएगा, क्वेश्चन आपका दिया गया अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब और क्यों मनाया जाता है, 2 अक्टूबर, 3 अक्टूबर, 8 अक्टूबर, 4 अक्टूबर। तो याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है, तो याद रखिएगा 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो ये थे आज के टॉप 10 क्वेश्चन, यदि आपको अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं एक छोटे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक यू।